ग्वालियर के महाराज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो घर के रहना घाट के। उनके विरोधी तो छोड़िए, उनके साथी भी उन पर जोरदार हमला कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने सिंधिया को एक सभा में नामर तक कह दिया। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अरुण भीमावत मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सिंधिया को नामर्द तक कह दिया। अरुण भीमावत ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया, कमलनाथ सरकार को गिराना चाहिए। अच्छा हुआ उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नामर्द कांग्रेस में थे, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी तो वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पूर्व विधायक अरुण भीमावत सिर्फ यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने दिग्विजय को आड़े हाथों लेकर कहा कि ईश्वर ने सभी की आवाज को सुना, जिससे दिग्विजय सिंह, जिनका मन पहले से ही प्रताड़ित था, उनके मन में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने का ख्याल आया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि तुम कितना भी घूम लो, इस विधानसभा में अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वही ज्योतिराज सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। इससे हमारी भावना नहीं बनी, ईश्वर ने हमारी बातों को सुना, जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना। तो दिग्विजय सिंह का भी मन कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित था, उन्होंने भी फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो मैं आपके माध्यम से पूरा चौधरी को चेतावनी देता हूं, तो कितने ही घूमे विधानसभा में, अब तेरी दाल गलने वाली नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।